स्वास्थ्य उपचार कार्यों के प्रति संवेदनशील होने का आह्वान करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि अनुवांशिक बीमारियों को रोकना समाज की जिम्मेदारी है। थैलेसीमिया निर्मूलन के लिए समुचित नियोजन की आवश्यकता है। शुक्रवार को रामदासपेट स्थित होटल सेंटर पॉइंट में थैलेसीमिया सीकल सेल मैच ऐप का उद्घाटन सर संचालक ने किया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। ऐप का निर्माण थैलेसीमिया व सीकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने किया है। कार्यक्रम में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सहजानंद प्रसाद, थैलेसीमिया व सीकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर विंकी रुगवानी उपस्थित थे। सरसंचालक डॉक्टर भागवत ने कहा कि कई बीमारियां केवल मन ही नहीं परिवार को भी आहत करती है। उन बीमारियों में थैलेसीमिया व सीकल सेल शामिल है। इन बीमारियों की दवाएं नहीं मिलने पर तन व मन को पीड़ा होती है। आर्थिक तौर पर कमजोर परिवार त्रस्त हो जाता है। इलाज के अभाव में पीड़ित भय से घिरा रहता है। ऐसे में इलाज के लिए तैयार किया गया ऐप प्रभावी हथियार साबित होगा। इस ऐप के बारे में समाज के प्रत्येक नागरिक तक जानकारी पहुंचना चाहिए। ये अगर हो जाए तो कौन बताए विज्ञान कब कैसी पलटी लेगा। आज तक इसका क्योर नहीं मिला है, लेकिन अब कई प्रकार की टेक्नोलॉजी ऐसी विकसित हो रही है कि अगर जेनेटिक मेडिसिन भी आ रहा है उसके चलते इस बीमारी का कोई क्योर भी निकल जाए। लेकिन ध्यान में रखने की बात यह है कि ऐसे क्योर्स निकलते वो बहुत महंगे होते हैं स्वाभाविक रूप से। समाज का करना सोचना, उसमें ये बात भी अपने समाज में आप खड़ी होगी और अन्य बीमारियों के साथ इस बीमारी पर भी हम काबू पा लेंगे। हमको जीतना है, ये संकल्प हम लें, उसके लिए जो करना है वो करें तो ये हो जाएगा। हो ऐसी शुभकामना आप सबको, और ये केवल आप सबके लिए शुभकामना नहीं, मेरे लिए भी शुभकामना है। इसलिए खुद को भी देता हुआ, आपको धन्यवाद देता हुआ मैं मेरे कार्यक्रम का समापन। साथ ही इस तरह की बीमारियों से लड़ने के लिए संयुक्त प्रयास की आवश्यकता है। डॉक्टर, समाज व प्रशासन के लोग नियोजन कर संयुक्त प्रयास करें। IMA के अध्यक्ष डॉक्टर प्रसाद ने बीमारी के बारे में जानकारी देते हुए ऐप के प्रसार का आह्वान किया। डॉक्टर रुगवानी ने प्रस्तावना रखी। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया व सीकल सेल अनुवांशिक रोग है। ये माता पिता से बच्चों में आती है, इसलिए ब्लड मैच ऐप का इस्तेमाल इन रोगों के रोकथाम के लिए सहायक साबित होगा। विनीता श्रीवास्तव, संदीप परमा, दीप्ति जैन, हनी खट्टर का सत्कार सर संचालक ने किया। IMA नागपुर के अध्यक्ष डॉक्टर प्रकाश देव, सचिव डॉक्टर समीर जहांगीरदार, डॉक्टर यशवंत देशपांडे, डॉक्टर अर्चना कोठारी, डॉक्टर संजय देशपांडे, डॉक्टर वंदना काटे उपस्थित थे। प्रार्थना गीत मंजूश्री आसवानी ने पेश किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहन के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज नागपुर।